नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, जीमेल की एक बहुत ही शानदार एक फ़ीचर है, जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी सारे आपके काम ऐसे होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, और आप चाहते हैं कि उसके लिए कहा जाता है कि एक नई आईडी बना लो, नई मेल आईडी बना लो। अब मेल आईडी बनाना उतना आसान नहीं है, उसकी वजह यह है कि अब मोबाइल नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है गूगल को। पहले फ्री में बहुत आईडियाँ बन जाती थी दोस्तों। ऐसे में होता क्या है, मान लीजिए आपको कुछ ऑफिस में या कहीं भी ऐसे काम आए हैं कि आपको चार कैटेगरी से, अलग अलग कैटेगरी से कोई मेल लेने हैं, मेल रिसीव कर रहे हैं, और होता क्या है कि आपका इनबॉक्स जो है वो बहुत ही कचरे की माफ भरा होता है, जिसमें सारे प्रमोशनल्स सर्विसेज के सब ऐड आ रहे होते हैं। तो आपको डर ये रहता है कि कहीं वो मिस ना हो जाए, कहीं वो मिले ना, डिलीट ना हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको करना क्या है, आप शेयर कीजिए। मान लीजिए मैं अपनी आपको आईडी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि मुझे दो शहरों से डेटा मंगाना है, या दो शहरों से मुझे रिज्यूम आएंगे, जो भी लोग नौकरी में अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए उनके रिज्यूम आने हैं, तो मुझे एक नई आईडी नहीं बनानी है। मुझे करना क्या है, ये जो मेरी एग्जिस्टिंग आईडी है आप देख रहे होंगे, इस आईडी में जहाँ पर आपकी आईडी ख़त्म होती है और आप @gmail लिखते हैं, उससे पहले आपको प्लस सिंबल का इस्तेमाल करना है, और प्लस सिंबल का इस्तेमाल करने के बाद आपको लिख देना है भोपाल। ये देख रहे होंगे, ये नीचे आपको दिख भी रहा है, और अब आपको प्रॉपर लगाना पड़ेगा @gmail.com। ये मैंने लगा दिया है। ये दोस्तों आईडी जो है चली गई है, ये एक आईडी हो गई है हमारी, और यहाँ पर अब जो है मेल जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपको देखने के लिए मिल रही होगी। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, और मैं आपको इस को मेल करके यहाँ से सेंड करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये आईडी अलग नहीं है, मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो ये जो मेरा ओरिजिनल इनबॉक्स है यहीं पर ये मेल आने वाला है। ये देखिए, ये मैंने इसको सेंड कर दिया है, ये यहाँ से सेंड हो गया, और यहाँ आपको थोड़ी देर में जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये मुझे मिल जाएगा। और जब तक ये मुझे मिलेगा, मैं एक मेल और करके आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल लेने के बाद हम यहाँ से आपको बताते हैं। जैसे मैंने भोपाल लिया, उसी तरीके से मैं अब इंदौर और ले लेता हूँ। ये देखिए, ये आ गया है इंदौर। किया क्या है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये आईडी आपको देखने के लिए मिल रही है। आपने किया क्या है, यहाँ पर प्रॉपर आईडी लिखी है, और @ लिखने से पहले आपने लिख दिया है प्लस इंदौर। दोस्तों ये करेगा क्या, ये एक फ़िल्टर बना रहा है। ये फ़िल्टर बनाने के बाद देखिए, मैं इसको भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम इस मेल को भेज देते हैं। ये मैंने भेज दिया है, और देखिए आपको पहले वाला ये मेल मिल गया है जो भोपाल के लिए आया था। पता करने के लिए इसको ओपन कीजिए, और यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, विवेक 10 भारद्वाज प्लस भोपाल, ये इस तरीके से। और जो एक और मेल आ गया होगा हमें, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, और उसको देखने के बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा। तो दोस्तों जैसे ही ये मेल आएगा, मैं आपको दोनों के अंतर जो है और अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। यहाँ पर आप सेंट में देख सकते हैं, सेंट में आपको दोनों के जो URL देख रहे होंगे, ये ध्यान से देखिए, ये URL हो गया है इंदौर के लिए, और उसके नीचे वाला जो URL है ये देखिए, ये हो गया है भोपाल के लिए। तो ये यहाँ से सेंड हो गए हैं, और हम यहाँ से इसको रिसीव कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा आ गया है। मैंने एक को सब्जेक्ट लिखा था रिज्यूम, एक को लिखा था बायोडाटा, दोनों को अलग अलग URL दिए थे, लेकिन दोनों जो है मेरी इस मेन आईडी पर आ गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा प्लस इंदौर, और रिज्यूम वाले में आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है प्लस भोपाल। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, मान लीजिए ये मेल बहुत सारे नीचे चले गए हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आज तक
जितने भी इस आईडी पर मेरे मेल जो आए होंगे, मैं देखिए आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। और मैं जैसे ही पहले भोपाल लिखता हूँ, भोपाल लिखने के बाद आपको मैं इंदौर का भी जो है ज़रूर दिखा दूँगा। ये देखिए आप, मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर करूँगा तो जितने भी मुझे देखिए, आपको ये दिख रहा है अभी 11:17 पे, ये आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये मेल आपको मिल गया है। इसी तरीके से दोस्तों मुझे सर्च करना है इंदौर से मुझे कितने रिज्यूम आए हैं, तो मैं यहाँ पर इंदौर टाइप कर दूंगा। मेरी आईडी नहीं बदल रही है, ये विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये इंदौर किया तो ये इंदौर पे ये 11:18 पे ये मेल आ गया है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर प्लस के साथ जिस भी कैटेगरी को देना चाहते हैं अपना मेल, वो मेल आप दे सकते हैं। आप उसको यहाँ पर बोल दीजिएगा कि प्लस लगा के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग अलग आईडी नहीं बनानी पड़ेंगी और सेम इस आईडी पर, मेन आईडी पर ही आपको सारे मैसेजेस मिल जाएंगे और आप उनको जो है आसानी के साथ यहाँ पे फिल्टर कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।